देख बिना पे डाउनलोड तक ऐप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास को पहचानो, पहचानो इसको कि तुम लोगों पे नजरें सिर्फ ये देश नहीं रख रहा है, पूरा विश्व रख रहा है। अगर कोई कहीं से हमेशा के लिए आवाजें उठी है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। इनको बताओ कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद किन्होंने किया, अपना खून का बलिदान किन्होंने दिया। इन ईंटों को गौर से देखो, ये ईंटें ऐसे ही नहीं है, इनमें तुम्हारे एंसेस्टर्स का खून है, लहू है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़के इस हिंदुस्तान को बनाया है। मोदी को कह दो ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम इस देश के नहीं हो। अमित शाह को कहो कि शाह तुम यहाँ के नहीं हो, क्योंकि यह देश डाइवर्सिटी की बात करता है, यूनिटी की बात करता है। एनआरसी अमित शाह पे लागू होना चाहिए, एमपी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे लागू होना चाहिए। अब हमारी लड़ाई अपने वजूद को बचाने की नहीं है, इस देश से एग्जिट का रास्ता मोदी और शाह को दिखाने का है। ये भूल जाओ कि तुम लोगों को कोई यहाँ से बाहर निकाल सकता है, इस बात को भूल जाओ और ये हैक कर लो कि बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को, इन गुंडों को, आरएसएस को हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता कब दिखाओगे। क्योंकि ये इस देश के नहीं हो सकते, क्योंकि इस देश का कानून कहता है वही द पीपल ऑफ इंडिया, सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये हिटलर है, ये ऑटोक्रेटिक रूल है। इसको ये देश छोड़ना चाहिए कि ये देश, क्योंकि ये देश हम जैसे लोगों के लायक है जो सेक्युलर इतिहास से बिलीव करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपने बड़ों से, सबसे, कि सब यूनाइटेड है, किसी तरह का भी फर्क नहीं होगा। तब तक लड़ेंगे जब तक न मोदी को देश का वही रास्ता दिखाएंगे। ये देश तो रहेगा, सेक्युलरिज्म भी रहेगा, लिबरलिज्म भी रहेगा, रहेगा नहीं कोई तो अमित शाह और भाजपा सरकार नहीं रहेगी।